हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा मैथ्स का पहला टॉपिक रेखा एवं कोण, समतलीय आकृतियां जिन्हें कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं और कोण क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेखा। रेखा में भी क्या, सरल रेखा। सरल रेखा में जैसे कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन, वह रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, अर्थात जिसकी लंबाई अनंत होती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए इसके दोनों ओर तीर का निशान लगाते हैं। मतलब ऐसी कोई सी लाइन जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये लो साहब, अंत बिंदु नहीं होता, इसका मतलब जिसकी लंबाई कैसी होती है, अनंत होती है, हमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, एक रेखा बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक सरल रेखा। क्या बोलेंगे इसको, सरल रेखा। अब दूसरी बात आती है, रेखा तो ये है, हमें पता चल गया कि ऐसी रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता और इसकी लंबाई अनंत होती है, दो चीज़ें। इसको प्रदर्शित करने के लिए दोनों ओर तीर का निशान लगाते हैं। सबसे पहली बात, इसमें दोनों ओर क्या लगाते हैं, इसके हेड पे तीर का निशान लगाते हैं, उसको तो बोलते हैं हम सरल रेखा। हम एक एक पॉइंट इसमें लेके चलेंगे, चाहे हमें कितने भी वीडियोज़ लग जाए, लेकिन हमें एक एक पॉइंट क्लियर करना है इसके अंदर, ताकि हमारे रेट के अंदर एक भी टॉपिक ना छूटे। अब दूसरा है हमारे पास रेखाखंड। पहले तो था पूरी रेखा, अब है रेखा का खंड, यानी कि हमें आधी बात करनी है इसके अंदर। यानी कि सरल रेखा का एक खंड जिसकी लंबाई कैसी हो, निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अर्थात इसके दोनों प्रारंभ और अंतिम बिंदु होते हैं, उसके तो क्या थे, अंत बिंदु कोई नहीं था और लंबाई कैसी थी, अनंत थी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लंबाई तो निश्चित होती है, उसकी कैसी होती है, अनंत होती है, हम डिफरेंस भी देखते जा रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर दोनों प्रारंभ और अंतिम बिंदु होते हैं, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दूसरी बात, इनके जो हेड से दोनों को दर्शाते हैं, दो हेड से दर्शाते हैं, जबकि इसमें दोनों पॉइंट से दर्शा रहे हैं। तीसरी बात करते हैं हम रेखाओं के बाद किरण की, जिसे हम इंग्लिश में रे बोलते हैं, रे यानी किरण। अब देखते हैं रे यानी किरण, वह रेखा जिसका आरंभ बिंदु स्थिर रहता है और अंतिम बिंदु स्थिर नहीं होता है, अर्थात रेखा एक स्थिर बिंदु से एक दिशा में गमन करती है। रेखा की दिशा को तीर लगाकर दर्शाया जाता है। अब मेन बात तो यही है, पहले तो थी हमने सरल रेखा, अब उसका अखंड पड़ा, अब जहाँ से शुरू हो रहा है वो तो देखो स्थिर नहीं है, या अंतिम बिंदु इसका क्या है, स्थिर नहीं है, और जो आरंभ बिंदु है वो स्थिर है इसके अंदर। यानी कि एक तो पॉइंट से दर्शाएंगे हम और एक हेड से दर्शाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी किरण यानी कि रेज, इसमें एक साइड तो पॉइंट से और एक साइड हेड से दर्शाते हैं। अब अगला बिंदु हम देखेंगे कोण। हमने क्या क्या पढ़ लिए, रेखा पढ़ ली, खंड पढ़ लिया, उसके बाद किरण पढ़ ली, उसके बाद आता है कोण। अब भाई ये एक एक से पार नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि एक था ये, इसके अंदर दोनों का ही कोई अंत नहीं था, फिर हमने एक इधर भी दोनों का ही क्या कर दिया, एक बिंदु बना दिया, यानी कि यहाँ पर भी कोई अनंत, मतलब अंत है, यहाँ पर भी अंत है, यानी कि दोनों के एक बिंदु हैं, तो दोनों हो गए। फिर तीसरी बात हमने करी, एक तरफ से तो बिंदु है लेकिन दूसरी तरफ से कोई अंत नहीं है। जो किरण पड़ती है, मतलब रेज पड़ती है, सन की रेज, वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता है, लेकिन ये कहाँ तक जाती है, किधर तक फैलती है, हमको नहीं पता। तो ये सब चीज़ें क्या है, रेज के अंदर आती है, यानी किरण के अंदर आती है। तीसरी के बाद चौथी चीज़ हम देखेंगे कोण। दो किरणों के आरंभिक बिंदु समान होने पर उसे आरंभिक बिंदु पर किरणों के मध्य बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये वे दोनों किरणें उस कोण की भुजाएँ कहलाती है। अब देखो इसके अंदर क्या बोला है कि जो दो किरणों हैं उनके आरंभिक बिंदु, ये लो साहब, ये तो हो गया आरंभिक बिंदु। अब दो किरणें जा रही है जैसे हमारे पास, एक यहाँ से एक यहाँ से, अब इन आरंभिक बिंदु के समान होने पर, ये देखो आरंभिक बिंदु इसका क्या है, सेम है। उसके बाद इसने बोला कि इनके मध्य, इन किरणों के मध्य जो बन रहा है पॉइंट, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। अब इन कोणों के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पहले ये तीन चार चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि सरल रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है और कोण क्या होते हैं। सरल रेखा से के बाद बना रेखाखंड, रेखाखंड के बाद बना किरण, किरण के बाद बने कोण। अब हम कोण के अलग अलग प्रकार हम पढ़ेंगे।
थैंक यू।